राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस वार्ता किया और कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद विगत एक वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने शासन से मांग करते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली, वेतन विसंगतियों का निराकरण तथा नगर प्रतिकर भत्ता को तत्काल बहाल किया जाए तथा फ्रिज महंगाई भत्ते को मुक्त किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए एवं पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जे एन तिवारी ने कहा, राज्य कर्मचारी उनकी समस्याओं का साथ कर्मचारियों के साथ सक्षम स्तर पर वार्ता के दरवाजे लिए हमने सरकार से अनुरोध किया कि एक पोर्टल खोल दीजिए, इस पोर्टल पर सरकार जेएन तिवारी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। ये कर्मचारियों की समस्याओं के लिए प्रेस वार्ता आज गोरखपुर में हो रही है और मुख्य रूप से कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली बनाना है, विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों का अवकाश नवीकरण देना है, उनको चिकित्सा सुविधा दिया जाना, उनकी वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाना, रिक्त पदों को भरा जाना, लैब टेक्नीशियन सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर वेतन समिति 2016 अपनी रिपोर्ट दे चुकी है लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवहन विभाग में निजीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है, उसको रोका जाना, इन मांगों को लेकर के हम 20 अगस्त से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब 26 दिसंबर को लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से कर्मचारी जा करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन देंगे और अगर 26 दिसंबर तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो 26 दिसंबर को ही हम अगले कार्यक्रम की घोषणा भी करेंगे।